Greetings and welcome to Me and Taro. तो आज टॉपिक है कोई आपके बारे में किसी से क्या कह रहा है. ठीक है, वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर. पहला है टैरो, सेकंड इज द फेटल ओरेकल एंड थर्ड इज द हैंड्रन ओरेकल. ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग. लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं भाई रीडिंग में क्या आता है एंड वाइस वर्सा भी कनेक्शन हो सकता है. सो पे अटेंशन टू इट. ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या रीडिंग आती है. एंड हियर वी गो, लेट्स पिक सम कार्ड्स. 1 and 2 3. ठीक है, 4, ओके, 5 6 7. चलो 7 कार्ड आ चुके हैं, तो अब देखते हैं कि भाई व्हाट समबडी सेइंग टू समबडी अबाउट यू. राइट, चलो भाई देखते हैं क्या रीडिंग आती है. आप यू कुड सी दैट. ओके, ये हैं 7 of Swords. आई होप यू कुड सी दैट. राइट, तो 7 of Swords क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे, लेट्स फिगर इट आउट. ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, द साइंस कमिंग ओवर हियर. बट द 7 of Swords मतलब कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो शायद किसी से नाराज है. ठीक है, एंड अगर कहे तो मे बी दिस पर्सन इज टेलिंग. सो ये पर्सन थोड़ा सा तो किसी के ऊपर नाराज हो सकता है. सेकेंडली अगर हम कहें तो मे बी दिस पर्सन इज मेकिंग सम प्लान्स. ठीक है, एंड वो प्लान्स आपसे चोरी छुपे बनाने की शायद कोशिश कर रहा है ये पर्सन. अगर कुछ सरप्राइज देना है मंडे को, कोई अगर सरप्राइज थिंग्स होने वाली है, या फिर कहीं ना कहीं छोटी सी पार्टी, या फिर किसी फिल्म के टिकट्स बुक किए हैं, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपके लिए करना चाहता है, तो मे बी एक सरप्राइज आपके लिए हो सकता है. बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें शायद छुपा रहा है. ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट द 7 of Swords. बट कहीं ना कहीं में भी ऐसी बात हो सकती है कि अगर आप हाल ही में इनके ऊपर भड़के हो, या फिर कुछ ऐसी बातें हो, तो या फिर अगर आपका वीकेंड कैसा गया है, तो इसके बारे में ये किसी से ज़रूर बात करने की कोशिश कर रहे होंगे. ठीक है, हालांकि जिस पर्सन से बात कर रहे हैं, मे बी यू डोंट नो द पर्सन और यू डोंट लाइक द पर्सन, ये भी चीज़ें हो सकती है. सेकेंडरी कार्ड है वो है 4 of Cups. ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस. एंड इसका जो मीनिंग यहाँ पे आता है कि भाई Somewhere we could feel that this person is like going to stick with you. मतलब आपकी हर अदा, हर कनेक्शन इसको बहुत अच्छा लगता है. जिस तरह से आप बात करते हो, चीज़ों के बारे में अपनी राय देते हो, this person loves it. ठीक है, हालांकि जिनके साथ ये शेयर कर रहे हैं वो इसके ऊपर कैसे प्रतिक्रिया देंगे ये ना तो इनको पता है ना ही आपको. बट द पर्सन वॉन्ट टू टेल somebody अबाउट हिज और हर एक्सपीरियंसेस. ठीक है, कि कैसे उनको लगता है, क्यों उन्होंने आपको चुना, क्या आपके बारे में उनको फील होता है, क्यों बार बार वो आपके बारे में सोचते रहते हैं. तो ये यू नो कि हम शेयर करते हैं किसी के साथ जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो वगैरह, तो वो चीज़ यहाँ पे शायद वो शेयर कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वही द हाई प्रिस्टेस. एज यू कैन सी दिस इज ऑल अबाउट द वंडरफुल कार्ड. 3 नंबर का कार्ड है ये. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मेजर अरकाना एंड हियर कम्स की कहीं ना कहीं जो इनकी दिल एक ख्वाहिश है कि somebody who should be there, who has touched their heart, किसने उनका दिल छुआ हो, वो पर्सन आप हो सकते हो. ठीक है, हालांकि अगर आपने अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है, तो शायद थोड़े से साशंक ज़रूर हो सकते हैं कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं रिगार्डिंग देम. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इनकी तरफ से, तो दिस पर्सन फील्स अ लॉट अबाउट यू, काफ़ी कुछ सोचते हैं आपके बारे में, एंड एक यू नो बहुत ही अच्छी फीलिंग इनको मिलती है कि ना तो कोई हड़बड़ी है, ना तो कोई झूठा दिखावा है, ना तो कोई झूठी शान है, या फिर ना ही कोई बेवफाई है, ना ही कोई यू नो दिल तोड़ने वाली हरकत है. इट्स लाइक कि भाई आप दोनों ही ऑनेस्ट बिहेव करते हो एक दूसरे के साथ. सो काफ़ी ऑनेस्ट बिहेवियर है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, एंड दैट्स गोना बी हार्ट कैचिंग थिंग फॉर देम. ठीक है, या तो फिर ये आपके बारे में हो सकता है कि आप बहुत ही यू नो वंडरफुल किस्म के पर्सन हो, एंड आप की जो चाहत है वो काफ़ी हटके हैं, यानी भी आप अपनी सभी दिल की बातें के साथ शेयर करते हो. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है दी एम्प्रेस. नाउ ये क्यों आता है कि आपके पास अट्रैक्शन के लिए सभी वो चीज़ें जिनके बारे में सोच रहे थे, कि इनके लाइफ पार्टनर में, इनके लवर में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, तो सभी चीज़ें इन आपके दिल में आपके पास हो सकती हैं. आपका स्वभाव हो, एंड आपकी फीलिंग्स हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल्स हो, आपका एटीट्यूड हो. ठीक है, मे बी इवन द ब्रांड्स यू प्रेफर, द कलर्स यू लाइक,
ये सभी वो चीज़ें हैं जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सो एम्प्रेस यहाँ पे आती है। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो कहीं ना कहीं एम्प्रेस ऑल्सो मीन्स कि आप दोनों में काफ़ी कुछ चीज़ें हो भी सकती है, फिर घट भी चुकी है। इट कुड बी अबाउट कि भाई जैसे कि एक दूसरे के साथ इमोशनल पल बिताना, जो भी ज़िंदगी में हुआ है वो बताना, एंड फिर कोई पर्सन आंसू बहा रहा है और ये जेन्युइन आंसू है, हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली बात हो सकती है कि मे बी आप दोनों ने शायद किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया हो और ये आपको पता है एंड आप इसको छुपा नहीं रहे हो। थर्ड थिंग कुड बी लाइक कि बोथ ऑफ यू जस्ट लव इच अदर, यू नो, कि जैसे कि अगर आप किसी कपल को देखते और देखते मन कहता है कि यस दिस इज़ अ वंडरफुल कपल, तो आप वो कपल हो सकते हो कि आप दोनों में वो सभी चीज़ें हैं जो किसी भी पर्सन को एज यू नो आपकी तरफ देखे कि भाई बहुत ही अट्रैक्टिव कपल आपको बता सकती है, ठीक है। समवेयर ऑल्सो पॉसिबिलिटी है कि बोथ ऑफ यू लाइक इच अदर कंपनी एंड यू ऑल्सो कुड स्पेंड सम इमोशनल थाट्स विद इच अदर एंड सम टाइम, मे बी शाम के वक्त टहलना या फिर ऐसी बातें करना, रात को फ़ोन पे बहुत सारी बातें करना आप में कॉमन हो सकता है, एंड सेक्शुअल इंटीमेसी कुड ऑल्सो बी देयर। ऐसे कार्ड यहाँ पे वो है एट ऑफ वॉन्स, ओके, एरीज लियो सैज, पैशन पावर, एंड दिस इज अबाउट कि भाई कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है एंड बोथ ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। आपने एक दूसरे से कोई बात छिपाई नहीं है, हालांकि बात यह हो सकती है कि कैसे कोई पर्सन एक दूसरे के साथ इतना खुल के यू नो अंडरस्टैंड कर रहा है रिश्ते को एंड चाह रहा है कि रिश्ता और आगे चला जाए। तो मे बी इनको अगर किसी सलाह की ज़रूरत है तो वो किसी ऐसे दोस्त से कनेक्ट कर रहे हैं जिसको या तो लव गुरु कहते हैं या फिर जो बहुत ऐसी सलाह दे चुका है, ठीक है। सो मे बी ये पर्सन चाहता है कि आगे बढ़ने से पहले ये आपके बारे में जान ले किसी और से कि कोई आपके बारे में क्या ओपिनियन रखता है एज बीइंग हिज और हर फ्रेंड। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द डेविल, तो डेविल कार्ड आ गया, लेकिन हमें इसके लिए देखना होगा लास्ट कार्ड चुकी है नाइन ऑफ कप्स, तो क्या है इसका मतलब। यस, बिल्कुल सटीक मीनिंग यहाँ पे आ रहा है, कोई भी नेगेटिव मीनिंग नहीं है। द डेविल यानी कैप्रिकॉर्न एंड नाइन ऑफ कप्स यानी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, तो भाई वाटर साइन आ चुका है अलॉन्ग विद द डेविल जो कि अर्थ साइन है, कि भाई आप दोनों में एक बात तो बहुत सारी कॉमन है और वो है कि या तो पैशन बहुत सारी हो सकती है, फिर यू कुड जस्ट फील लाइक, मतलब जैसे ही आपने एक दूसरे को देखा होगा यू कुड फेल्ट लाइक कि भाई यू आर मेड फॉर इच अदर, ठीक है। अब आपका रिश्ता किस लेवल पे है वो तो आपको पता है, मे बी यू हैव गॉन थ्रू सेक्शुअल इंटीमेसी एंड ऑल अदर काइंड ऑफ थिंग्स, या फिर जैसे ही आप एक दूसरे का हाथ थामा आपको पता चला कि भाई यही है मेरे लिए जो बना है, राइट। तो दिस कुड बी द फीलिंग गोइंग ऑन एंड गोइंग टू पार्टीज और बीचेस और वट एवर यू जस्ट फील, वो सोचना फील करना वो शायद कहीं ना कहीं पे हो रहा है, एंड अगर ऐसी बात है तो मे बी दिस पर्सन इज शेयरिंग दिस थिंग ऑल्सो विथ हिज अदर फ्रेंड्स एज वेल। बट नाइन ऑफ कप्स टेल हिम और हर कि भाई जो भी इनकी ख्वाहिश है वो एक्चुअली कंप्लीट हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि किसी पर्सन के सिर्फ एक स्माइल से या उनके एटीट्यूड से वो उनको पसंद आ जाएंगे, ऐसा होता है, लेकिन जैसे फिर वो आगे बढ़ते तो पता चलता है कि नहीं भाई कंपैटिबिलिटी मिसिंग है, और ये कंपैटिबिलिटी आपको विद इन अ डे नहीं पता होती, ओके, उसके लिए कुछ दिन कुछ महीने जाने पड़ते हैं। तो आई थिंक इतना सब कुछ होने के बावजूद इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है, कंपैटिबिलिटी बहुत ही ऑसम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज शेयरिंग दिस काइंड ऑफ थिंग विद समबडी, ओके। तो ये जो लगा वो मैंने कह दिया, और अब देखते हैं कि भाई फेरी टेल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। अब बस हम कुछ ही कार्ड चुनेंगे, तीन ही कार्ड हम चुनते हैं, ठीक है। चलो 1, 2, 3, ठीक है, तीन कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं कि भाई ये तीन कार्ड क्या है। एंड हियर वी गो, लव ब्लॉसमिंग ये कार्ड आ चुका है, दैट मीन्स कि ये पर्सन काफ़ी अच्छा फील कर रहा है एंड आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है। अब मे बी इसने आपके सामने खुल के बात कही है नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन अगर ये आपको सरप्राइज देना चाहता है लाइक आपके लिए रिंग खरीदी है, फिर कोई ऐसी महंगी चीज़ या फिर गिफ्ट खरीदा है, तो अपने फ्रेंड को शायद पहले बताया होगा और आपको बाद में बताने वाले हैं। सेकेंड कार्ड इज चॉइसेस, यानी कि चॉइसेस मतलब कहीं ना कहीं पर ये जो प्लान कर रहा है, ठीक है,
मतलब प्लानिंग बहुत सारी हो सकती है, या तो सबके सामने प्रपोज करना, या फिर आपको कहीं घुमाने लेके जाना, या फिर आपके लिए कविता तैयार करना, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच हो सकती हैं, जो सिर्फ स्पेशल है आप दोनों के लिए एंड प्राइवेट भी। तो डिपेंड्स कि एक पर्सन क्या कर सकता है जो आपके मन को भाए। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है टर्निंग इनवर्ड, यानी कि इसके भीतर भी जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इसको पता है, एंड बिकॉज बीइंग हिज और हर फ्रेंड उसके खास दोस्तों को भी पता होगा, तो ये आई थिंक उनसे क्लैरिफाई कर रहा है कि जिन बदलावों से मैं गुजर रहा हूँ क्या ये बदलाव सही हैं, क्या इसका मतलब है कि जिस पर्सन से ये कनेक्ट हुआ है, यानी कि आप, क्या आप इसके लिए एक बहुत ही अच्छा साथी साबित हो सकते हैं, क्या आपके लिए ये एक अच्छा साथी हो सकते हैं। तो आई थिंक जो भी ऐसे सवाल इनके जवाब ये अपने फ्रेंड से पूछ के ले रहे हैं, ठीक है। और अब देखते हैं फाइनली दिस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम इससे भी चुनेंगे सिर्फ तीन कार्ड, ठीक है, चलो चुनते हैं तीन कार्ड, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। तीन कार्ड आ चुके हैं, देखते भाई अभी क्या रीडिंग आती है, ठीक है। भाई पहला जो कार्ड है वो है ट्रस्ट यू, आई थिंक ये पर्सन आपको ट्रस्ट करता है, एंड यही बात वो अपने फ्रेंड के साथ या फिर किसी और को कह रहा है, ठीक। अगर आप तो इनको अपनी फैमिली से भी मिला रहे हो तो भी ये वही कहेगा कि भाई दिस पर्सन ट्रस्ट यू, आप ट्रस्ट करते हो नहीं ये तो इनको नहीं पता, लेकिन ये पर्सन आपको ज़रूर ट्रस्ट करता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है हर्ट यू, नाउ ये क्यों कहा उन्होंने, आई थिंक इसलिए है क्योंकि आई थिंक इन द पास्ट समथिंग कुड हैव हैपेंड, ठीक है, जिस कारण मे बी इन्होंने आपको दुख दिया होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि मे बी यू हैव कॉट हिम और हर विद समबडी एल्स एंड यू वर क्राइंग और यू वर एंग्री, यू वर एंग्शियस, चीज़ें ऐसी हुई होंगी। लेकिन अब जब बाद में यू नो ऐसी चीज़ें हो रही कि अगेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, ठीक है, तो या तो इन्होंने आपको पहले हर्ट किया होगा एंड उसके बावजूद आप इनके साथ हो और अब उन्होंने आपकी कीमत समझी, वो आपको अंडरस्टैंड करने लगे हैं, आपकी वैल्यू करने लगे हैं, आपकी लॉयल्टी को समझ रहे हैं, या तो फिर कि भाई ये पर्सन एक्चुअली आपको हर्ट कर रहा है या फिर हर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। देखो अगर आपका दिल सच्चा है तो आपको ये हर्ट नहीं कर पाएंगे, खुद ही हर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर इनकी मनीषा ठीक नहीं है, अगर इनकी इच्छा ठीक नहीं, अगर इनकी चाहत गड़बड़ है, मैं भी अगर ये सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके सामने या फिर किसी और को कह रहे हैं कि भाई आई एम हर्टिंग दिस वंडरफुल पर्सन, और अगर ये नहीं तो कोई और जो इनसे कनेक्टेड है वो आपको ये बता सकता है कि भाई ये आपके बारे में ऐसे सोचते हैं, यू शुड मूव ऑन, ठीक है। तो मे बी दिस कुड ऑल्सो बी रीज़न। एंड जो फिनाली कार्ड है वो है गॉसिप्स, गॉसिप का मतलब है कि अगर जो इन्होंने कहा है वो अगर सच नहीं हो रहा है तो मे बी सम गॉसिप इज गोइंग ऑन। अगर आपका रिश्ता टूट चुका है या फिर आप बहुत हर्ट हुए हो और कोई अगर पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहा है तो आपको शायद बुरा लग भी सकता है, ठीक है। सो चांसेस आर दैट अगर किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, किसी को अगर डिप्रेशन मेनिया वगैरह हो सकता है, तो पहली बात तो आप में से किसी भी पर्सन को उस पर्सन को उभरने की ज़रूरत है, ठीक है। गॉसिप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, गॉसिप आज अगर है तो कल निकल जाएगा, बिकॉज गॉसिप हर पर्सन के बारे में होता ही रहता है। एक मोमेंट आता है जब हम इसके ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो समय निकल जाता है वी फील लाइक वी आर बैक अगेन इन आवर लाइफ, ठीक है। तो अगर गॉसिप होता भी है तो उसको भूल जाइए, एंड अगर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा है, मे बी यू नीड टू जस्ट गो टू अ हिल स्टेशन और समवेयर एल्स टू जस्ट रेक्टिफाई एंड रिसरेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। तो इथ रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।